तो बीजेपी के स्टिंग में आखिरकार कितना दम? दावा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार होने का। भ्रष्टाचार का सबूत का जिक्र बीजेपी कर रही है, कह रही है कि एक और प्रमाण। एक के बाद एक स्टिंग इन दिनों बीजेपी आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। भ्रष्टाचार की डील की बात कर रही है। दिल्ली में बीजेपी ने यह स्टिंग बम फेंका आम आदमी पार्टी पर, और इस बार जो स्टिंग का जिक्र हुआ वो था नाम उनका मुकेश गोयल। उन पर आरोप है कि जेई से 1 करोड़ रुपया मांगा गया। मुकेश गोयल, बीजेपी के दावों में कितना दम है कितना नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद एक स्टिंग आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द और बीजेपी के लिए सियासी हथियार बन गए। मुकेश गोयल पर जो आरोप लगे आम आदमी पार्टी ने उससे इनकार कर दिया। आपने वीडियो को फर्जी बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता हैं मुकेश गोयल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा है, उनके एक नेता हैं और वो DDCD के महत्वपूर्ण पद पर है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, उन्होंने एक्शन लिया कि उनके दफ्तर को सीज किया जाएगा, क्योंकि DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह बर्खास्त तो होंगे होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वो लाभ के पद पर है, यानी कि वो DDCD के उपाध्यक्ष भी हैं और आम आदमी पार्टी का काम उसी दफ्तर से हो रहा था। अब इस आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान छिड़ गया। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता जो है वो लाभ के पद पर हैं और पार्टी के प्रवक्ता तक हैं। तो दो नियम क्यों? आज इसी पर सियासी घमासान होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको एक जरा रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल एक जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वीडियो जारी होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। एक तरफ से बीजेपी चीख चीख कर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचारी होने का इसे प्रमाण बता रही थी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद मुकेश गोयल सामने आए, वीडियो को फर्जी बताकर बीजेपी पर वार किया। अधिकांश टिकट इनके सहमति से, इनके फीडबैक से टिकट दिए गए आम आदमी पार्टी द्वारा। नेता का नाम अब मैं बेपर्दा करता हूं, उसका खुलासा करता हूं। द सस्पेंस शुड बी ऑफ फ्रॉम द नेम ऑफ द नेता, और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल, मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है, और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं, इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया है जो कि फर्जी ऑडियो है, और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में
15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूँ और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूँ। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, मेरे ऊपर आज तक एक पैसे की उंगली नहीं उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में ये तीसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी स्टिंग के फेर में फंसी है। पहले शराब घोटाले में बीजेपी ने स्टिंग जारी किया, फिर कैश फॉर टिकट के मामले में स्टिंग सामने आया और अब मुकेश गोयल के स्टिंग का दावा। 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो, हम 58-54 के आदमी नहीं है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है, मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी। सिर्फ सियासी लड़ाई स्टिंग तक सीमित नहीं है, बीजेपी पोस्टरों के जरिए भी आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। पहले लूट केस के नाम से पोस्टर जारी किया, इसके बाद लुटेरे के नाम से पोस्टर सामने आया और देखते ही देखते दिल्ली के ठग के नाम का पोस्टर भी बीजेपी ने चस्पा किया। यानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासी संग्राम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और उनके दफ्तर को सील कर दिया गया। आरोप ये कि जैस्मीन पद पर रहते हुए अपने ही दफ्तर से केजरीवाल के राजनीतिक हित को साध रहे थे। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया, उसको डिजाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है, जसमिन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ITDC के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहे हैं कि भाजपा से दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं 15 साल में तुमने क्या किया, वो कह रहे हैं हमने जसमीन शाह का दफ्तर सील किया। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं तुमने 15 साल में क्या किया, संबित पात्रा कह रहे हैं हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हो, वोट मांगने गली में जाना पड़ेगा और गली में जनता आपसे जवाब लेगी और उसका हिसाब भी चुकता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप हैं, पार्टी के विधायक अमनतुल्ला पर वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच चल रही है। फिलहाल सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों को केजरीवाल सियासी साजिश से जोड़ रहे हैं। वैसे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो अदालत ही तय करेगी, मगर सच तो ये है कि चुनावी मौसम में ये आरोप आज बीजेपी के लिए सियासी हथियार जरूर बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये है भ्रष्टाचार की लड़ाई, अब स्टिंग पर आई। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, राकेश सिंह जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही साथ हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिमन्यु जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश मोहन जी, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुए, तो शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि मसला आपके घर का है। एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन, वो भी कट्टर ईमानदार पार्टी के, एक के बाद एक ये स्टिंग ऑपरेशन। हाल के दिनों में 3 स्टिंग ऑपरेशन आए, ये चक्कर क्या है? मेरा भी सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपकी निर्भीक आवाज सुनने को मिली। अब आता हूँ ये जो
आपका सवाल है। ये 15 साल में बीजेपी ने कूड़े के 3 पहाड़ इकट्ठा किए और अब जैसे ही चुनावी माहौल आया है ये और ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करके जनता को दे रहे हैं। अच्छा, कोई सस्पेंस जब नहीं होता तो कहानियां बुनी जाती हैं। अब संबित जी जो आज पत्रकार वार्ता कर रहे थे, सबसे पहले उस पत्रकार वार्ता में उन्हें अपना त्याग पत्र रख देना चाहिए था। क्यों? तब उनका नैतिक साहस, उनका नैतिक बल जरा बड़ा दिखता कि खुद सरकारी कंपनी के चेयरमैन है और प्रवक्ता बनकर के जिम्मेदारी निभा रहे। नहीं नहीं, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। जो बात आप कह रहे, पक्का आऊंगा सर, पक्का आऊंगा। लेकिन ना रमेश मोहन जी, आप तो बात को घुमाते नहीं है। मेरा सवाल ये था कि आप तो कट्टर ईमानदार पार्टी है ना जी, और आप ही के नेताओं के एक के बाद एक स्टिंग सामने आ रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर। आपके मंत्री 7 महीने से जेल में हैं और वो भी मंत्री पद पर हैं। क्लीन चिट उन्हें ना कोर्ट ने दी ना जांच एजेंसी ने, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। आपके एक विधायक अमनतुल्ला पर वक्फ बोर्ड में जांच चल रही है। आपके डिप्टी सीएम शराब घोटाले के आरोप है, मुख्य आरोपी है। मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, आपने बड़े झड़ी लगा दी। एक मामला ऐसा बताइए जिसमें कोई आरोप साबित हुआ, एक भी ऐसा मामला नहीं है। ये कौन सी जांच आप कर रहे हैं कि जांच एजेंसी भी आप खुद हैं, मौकिल भी आप खुद हैं, गवाह भी आप खुद हैं? ये कौन सी जांच एजेंसी है केजरीवाल जी के पास जी? अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो सरकारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, उन्होंने अभी तक सबूत के नाम पे इकट्ठा किया तो झुंझुना इकट्ठा किया, लॉकर से झुंझुना निकाल करके ले आए। हेलो जी, हेलो, लॉकर से झुंझुना निकाल करके ले आए। आप सोचिए कि ये जो लगातार चलता हुआ कैंपेन है, इसीलिए मैंने आपको इसको कूड़े का चौथा बाहर बोला है। ये कूड़े का चौथा बाहर है जो भारतीय जनता पार्टी सोचती कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो। खुद तो कुछ किया नहीं, अब कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी कल फिर खारिज हो गई, कोर्ट भी खरीद रखा है क्या सबने? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हालांकि इससे जुड़ा मामला नहीं है, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता जो कि ईडी की कार्रवाई के चक्कर में जेल में थे, अभी कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश देते कितनी झाड़ लगाई है कि आपके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी आपने जेल में रखा। लेकिन रमेश मोहन जी, देखिए देखिए, आपके मंत्री जेल में है कि नहीं है, जेल में है या नहीं है, 7 महीने से जेल में है कि नहीं है? अगर केस फर्जी होता तो जमानत नहीं मिल जाती क्या? अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब पिछली माननीय जज महोदया मैडम गोयल थी, वो कई बार इनको लताड़ चुकी कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, सबूत क्या है, सबूत क्या है। तब ये एजेंसी दूसरी जगह पे जाकर के जज बदलवाने का एप्लीकेशन देती है। अरे भाई, अगर आप निडर है, आपको अपने सबूतों पे भरोसा है, तो आप उसी अदालत में क्यों नहीं कार्रवाई करवा सकते? यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भैया जो ये मसला था कि ये राजनीतिक साजिश रच रहे हैं, मुकदमे भी हमारे पास राजनीतिक नजरिए से हो रहे हैं और हमारे दफ्तर भी राजनीतिक नजरिए से सीज कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? भाई क्या इसमें सच्चाई का तो अंश लेश मात्र भी नहीं है। मैं राकेश जी के पास जाऊं, देखिए मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं, आप जानते हैं जी। रमेश जी, आप ही ने कहा था ना कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ सेवा करने आए हैं, मेवा तो ये खाते हैं, हम करेंगे सेवा। आपका दफ्तर सील हो गया, इतना गुस्सा आ गए, लाभ के पद को लेकर ही तो आरोप है कि नहीं? जी नहीं, आप देखें कि एक नीति निर्धारक संस्था हर राज्य में है, दिल्ली में भी है, तो उसमें एक व्यक्ति जो कि हर तरह से योग्य हो उसको रखा भी गया, और आप देखें उसका प्रोग्राम भी मिला। कितनी योजनाएं बनाई गई बीडीसी के द्वारा दिल्ली के निवासियों के जनजीवन को सुचारू बनाने के लिए। आपने कहा संबित पात्रा को इस्तीफा देना चाहिए था पहले और फिर आरोप लगाने चाहिए थे। और जी बिल्कुल,
मैं तो यही कहूंगा संदीप जी को। सौरभ भारद्वाज दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है कि नहीं? कौन? सौरभ भारद्वाज वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन? अच्छा, वाइस चेयरमैन है, मतलब वो लाभ के पद में नहीं आएगा? ना, आप घुमा रहे हैं। ना, घुमा रहे हैं रमेश जी। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या वो लाभ के पद में आएगा कि नहीं? रमेश जी, आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है सर। सर, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं रमेश जी, प्लीज एक मिनट, आ रहा हूं मैं आपके पास। राकेश जी, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? आ रही जी। राकेश जी, ये एक के बाद एक स्टिंग, पूरा का पूरा फोकस आम आदमी पार्टी पर, वो भी बीजेपी का, ये समझ नहीं आया सर। नहीं, इसमें समझने की क्या बात है, जब चुनाव चल रहा है तो फोकस कांग्रेस पर भी होगा, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का पर भी होगा, वो क्या कर रहे हैं इस पर तो नजर रखनी पड़ती है राजनीतिक। नहीं, पूरा फोकस आम आदमी पार्टी पर है, कैमरा मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी पर टिका हुआ है आपका, मैं इसकी वजह जानना चाह रहा था। देखिए, जो जो चुनावी मैदान में, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो रवैया है इस वजह से घेरे में आ जा रहे हैं, और इनकी जो सत्येन जैन का अभी आपने हवाला दिया उनको, तो सत्येन जैन आज राहुल जी ने कोर्ट में क्या कहा, प्रथम दृष्टि आप दोषी है, अपराध से कमाए हुए धन को छुपाने के लिए इसलिए जमानत खारिज कर दिया, और यही केजरीवाल है। केजरीवाल ने तोमर के बारे में, जो पहले इनके कानून मंत्री थे, उनके बारे में क्या कहा था, इनकी सारी डिग्रियां मैंने देख ली है, अंत में जब फैसला आता है तो उनको हटाना पड़ता है। सत्येन जैन आप वैकल्पिक राजनीति को लेकर यहाँ आए थे और तमाम ऐसी अपेक्षाएं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इतने आक्रामक तो आप कांग्रेस पर नहीं हुए जितने आक्रामक आम आदमी पार्टी पर हो रहे, लेकिन फिर भी आप कह रहे कि नहीं भैया, आम आदमी पार्टी से हमें कोई डर नहीं है, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि सारा का सारा फोकस आम आदमी पार्टी पर क्यों आके टिक गया बीजेपी का, क्या ये बेचैनी है? अगर राजनीतिक दल के रूप में हम काम कर रहे हैं और चुनावी मैदान में जाते हैं तो जितने विपक्षी दल होते हैं उनको उन पर नजर रहती है, यानी आप मान रहे हैं इस बात को कि आम आदमी पार्टी आपका मुख्य विपक्षी दल है? आम आदमी पार्टी क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, पहला इनका पहला कानून मंत्री फर्जी डिग्री में बाहर होता है, एक मंत्री की आज कल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होती है और जज कहते हैं कि प्रथम दृष्टया दोषी है अपराध से कमाए धन को छिपाने में। अब इससे ज्यादा जब ऊपर के मंत्री ही सारे एक बाहर हो गए, एक जेल में है, एक आबकारी घोटाले में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उनको गिरफ्त में आएंगे ही। आप जानते हैं कि स्टिंग कोर्ट में टिकता नहीं है, स्टिंग कोर्ट में नहीं टिकता है, कोर्ट में टिकता नहीं है। ये केजरीवाल से पूछना चाहिए, आरोप लगाते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कलम में बैठ के और अदालतों में माफी मांग लिया आपने, और यहाँ तो स्टिंग है, स्टिंग के बाद जांच भी होगी। ओके रमेश मोहन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रमाण है तो कोर्ट में नहीं टिकता लेकिन जनता की अदालत में टिकता है। रमेश मोहन जी, जनता देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए ये एक से बढ़कर एक स्टिंग लेकर आ रहे हैं, अगली बार किसका होगा ये मालूम नहीं। रमेश मोहन जी जवाब दीजिए। रमेश जी, ऑडियो आ रहा है? कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके, अभी मन्नू त्यागी जी, ये जो स्टिंग है, बीजेपी कह रही है कि ये प्रमाण है, भ्रष्टाचार का सबूत है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बौखला गए इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभिमन्यु जी, देखिए, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, लेकिन साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आकर पीसी की और लगातार आरोप लगा रहे हैं, अगर सचमुच में इनको कार्रवाई करनी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से सरकार पर कार्रवाई करवाएं और गवर्नर रूल वहां हो जाना चाहिए दिल्ली में। अगर इतना लंबा भ्रष्टाचार है, इनकी सरकार पर सिर्फ तोहमत ना लगे, क्योंकि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगे, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सचमुच में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं सर, आपकी सरकारों पे भी तो लगते हैं क्या राष्ट्रपति शासन लगा दे सब जगह? झारखंड में क्या हाल हो रखा है? वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दे क्या? मैं अपनी बात पूरी कर लूं बस थोड़ी जी, अभी मन्नू। और चुनाव के समय जो केजरीवाल जी का कहना, आम आदमी पार्टी का कहना, ये चुनावी स्टंट है, ये पीसी।
अगर सचमुच में भाजपा को लगता है कि ये बहुत लंबा भ्रष्टाचार है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो उन पे कार्रवाई करें, वो कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से महसूस हो रहा है, चाहे शराब घोटाला हो, ये दारू के पैसों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये जाकर पंजाब में, ये जाकर गुजरात में, ये जाकर हिमाचल प्रदेश तक में चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो इस समय धोखे में है और चुनाव फोके में, ये सब चल रहा है चुनाव, ये सब लोग देख रहे हैं किस तरह से चाल चरित चेहरा जो आम आदमी पार्टी है वो सब लोगों के सामने आ चुका है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया उसमें सच्चाई है? हम कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो वो कार्रवाई भी करे ना, सिर्फ आरोप तक ही न सीमित रहने दे। कार्रवाई तो हो रही है, वो कह तो रहे सत्येंद्र जैन जेल में है, अमनतुल्ला के खिलाफ जांच बैठी हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर, 90 करोड़ 90 लाख की डील हो रही है टिकट को लेकर, वो कह तो रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। यानी कि वो विपक्ष आपको नहीं मानते, वो आम आदमी पार्टी को मानते हैं। देखो विपक्ष तो जनता तय करेगी, पक्ष भी जनता तय करेगी, अब चुनाव आएंगे पता लग जाएगा सत्ता में कौन रहेगा, विपक्ष कहां के चुनाव, जहां जहां के भी चुनाव आएंगे, अभी तो एमसीडी का गुजरात में चुनाव है। गुजरात में तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 41% वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में। अब की बार भी चाहे मीडिया एक वर्ष जरूर दिखा रहा है, अगर सब लोग नहीं दिखा रहे तो ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जनता के जो असली मुद्दे हैं उसके साथ चुनावी मैदान में है ही, और लगातार कार्यक्रम कर रही है, भीड़ भी हो रही है लगातार, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार। यानी आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और ये सबूत प्रमाण है। ओके अमिताभ जी, सर सुना आपने तीनों राजनीतिक दलों को, एक से बढ़कर एक स्टिंग जारी हो रहे हैं और हाल ही में 3 स्टिंग जारी हुए, स्टिंग कोर्ट में नहीं टिकते लेकिन जनता की अदालत में टिकते हैं, जनता की अदालत में सियासी हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हरीश रावत का एक तथाकथित स्टिंग आया, पूरा का पूरा सियासी माहौल बदल गया है। कल तक तो खुद विक्टिम कार्ड जेब में लेकर घूम रहे थे, लेकिन खुद जो है जनता की नजर में विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी ने आरोपी बना दिया। तो ये जो स्टिंग वाला खेल है, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए वाकई नुकसानदायक है कि नहीं? देखिए घातक तो होता ही है ये, और दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल है तो इस तरह की हरकतें होंगी, और सब उठापटक में लगे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे की कमियां हैं वो सामने लाकर उजागर की जाए। आप भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, और भाजपा भी पुरजोर कोशिश कर रही है। भाजपा तो बहुत सिरे से दम लगाती है और हर एक स्तर पे वो जो है हमला करती है, जिस ढंग से चीजें देखने में आ रही है। अभी इलेक्शन के ठीक पहले आपने देखा छठ का वक्त था और यमुना की स्थिति बहुत खराब थी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल कूड़े के पहाड़ देखने गए थे, जबकि वो भी एक तरीके से दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी में आता है कि वो इसका हल निकाले, इसका बजाय इसके कि उस पर शिकायत करें। लेकिन चुनाव है तो निश्चित है कि सब एक दूसरे पर हमला करेंगे, सब कोशिश करेंगे कि जो है एमसीडी के चुनाव हम जीतें, तो ये तो होना ही है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, आरोप कहते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ मामलों में जैसे आप जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पे भी हमला कर देती है, जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कुछ नहीं मिला, पाक साफ हो गया, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है आप अपनी तरफ से प्रमाण दें कि भाई हमारे नेता पाक साफ हैं या कुछ भी है, लेकिन ये ना कहें कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया और वो वैसे ही बंद करके रखा है, ये बहुत गलत उसका ये जाता है, संदेश जाता है, क्योंकि कोर्ट बगैर किसी कारण के किसी को जेल में रखने की इजाजत नहीं देती है। आपके पास बहुत अच्छे वकील हैं, इतने बड़े बड़े वकील इनके पास हैं, कैसे उनका आदमी बंद रहता है बगैर किसी कारण के, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कम से कम इस तरह की बातें तो आप क्या वाकई जो बात राकेश जी ने डिबेट में कबूली कि ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ रहे हैं इसलिए हम आक्रमण कर रहे हैं, सियासी आक्रमण सबूतों के साथ,
इत्तेफाक रखते हैं। दिल्ली के अंदर तो आपका प्रभाव हम सभी जानते हैं, आज वो सत्ता में है और दिल्ली में निश्चित रूप से एमसीडी के चुनाव में भी बहुत बड़े संख्या में मुझे लगता है कि उनके पार्षद आ सकते हैं। तो भाजपा यही कोशिश करेगी कि किसी तरह आपको जो है रोका जाए। अब तक भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आपका भी प्रभाव काफी बढ़ गया है, तो वो तो घमासान तो होना ही है। कांग्रेस के अंदर ऊर्जा की कुछ कमी लगती है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ऊर्जा की कमी हो गई है। और नहीं तो उसके तो मैं कहता हूँ कि सारे नेताओं को भले ही एमसीडी इलेक्शन है आ करके उसमें भिड़ जाना चाहिए। आप देखिए कि मोदी जी गुजरात में जा करके कई कई अभी 8 रैलियां करने जा रहे हैं 3 दिन के अंदर, इसको लेकर के दूसरी पार्टियां शिकायत भी करती हैं, लेकिन ये भाजपा का कमिटमेंट है। देखिए कि हर स्तर का नेता जो है वो जाके पूरी मेहनत करता है, चुनाव छोटा है या बड़ा। नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हाँ निश्चित, ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह पे उनकी है ही, लेकिन जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे हिमाचल में हुए तो हो रहे हैं हुए, चाहे गुजरात में होना है या दिल्ली इलेक्शंस है, अभी उनको जरूरत है कि वो यहाँ भी समय दें। नहीं दे सकते हैं तो और लोग हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं इनके पार्टी में, वो क्या कर रहे हैं? ठीक, जब वो देख रहे हैं कि भाई दिल्ली एक प्रमुख जगह है, यहाँ पार्षद का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे पता चलता है कि आपकी शक्ति जो है यहाँ पे भी घट जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता है, इनके यानी आप ये कह रहे हैं कि ये स्टिंग जो है वो राजनीतिक नजरिए से सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं, भले ही कोर्ट में ये प्रमाण ना हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा बता दूं कि ब्रेक के उस पार जो बात रमेश मोहन श्रीवास्तव कह रहे थे कि भैया इनके नेता जो बीजेपी के नेता हैं वो दूध के नहीं धुले हुए, बीजेपी नेता भी लाभ के पद पर हैं। अगर हमारे यहां जैस्मीन के ऑफिस में ताला लग सकता है तो फिर इनके नेताओं के यहां क्यों नहीं? ब्रेक के उस पार यही सवाल उठाएंगे, जल्द हाजिर हो रहे। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई स्टिंग पर आई, ब्रेक से पहले तमाम सवाल आरोप वार भी और पलटवार भी, लेकिन अब एक और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और वो मुद्दा वो है जिसको सीधे तौर पर सियासी वार पलटवार के बीच लाभ के पद से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्रेक से पहले रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ने उस मुद्दे को भी उठाया, अब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, क्योंकि DDCD के दफ्तर सीज हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर यह हुआ, आदेश पर, क्योंकि DDCDA के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह बर्खास्त किए गए, दफ्तर सीज, गाड़ी ले ली, यानी कि एक्शन हुआ उपराज्यपाल की तरफ से। राकेश जी, ये कार्रवाई जायज थी? जायज थी, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, वजह सर? वजह है कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी है, पार्टी का दफ्तर है और चुनाव चल रहा है, तो पार्टी का काम अपने दफ्तर से करिए। आपको दायित्व जो दिया गया था वहाँ DDCA का काम करना था आपको, लेकिन उस ऑफिस में आप पार्टी का काम करने लगेंगे, ये आपत्तिजनक है। आपके पास पार्टी का ऑफिस है सर, ये कैसे पता चला कि वहाँ पर उस दफ्तर में पार्टी का काम हो रहा था? मैं जान सकता हूँ सर, ये कैसे पता चला वहाँ पार्टी का काम हो रहा था उस दफ्तर में? इसमें वहाँ पर उस दफ्तर में गई है, उसके बाद ऐसा है, कार्रवाई एक दिन में नहीं हुई, बहुत से लोग हैं। जैसे आपने अभी भारद्वाज जी का, उनके ऊपर से कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, जैस्मीन शाह DDCD के उपाध्यक्ष, उनके दफ्तर में वो मतलब आम आदमी पार्टी के नेता है और वो उस पद पर है, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि वो लाभ का पद, यही कह रहे हैं ना सर आप कुल मिलाकर? ना ना, ये नहीं कह रहे हैं। इस तरह के बहुत से पद जब राजनीतिक कार्यकर्ता काम करता है और जब वो चुनाव में जाता है और उसकी पार्टी विचारधारा की पार्टी जीत के आती है तो ऐसी पूरी व्यवस्था सरकार ही चलती है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है कि अगर आपको DDCA में वो पद दिया गया तो DDCA के काम के लिए दिया गया, पार्टी का काम दफ्तर से करिए। आप यानी कि जो है कि काम तो DDCA का दिया गया था लेकिन काम कर रहे थे वो आम आदमी पार्टी का। जी एक बार सर, यही बात है ना? हाँ एकदम यही बात है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि ये कार्रवाई क्यों हुई, तो आपने मुझे समझा दिया
कि भाई वो पद पर तो थे लेकिन काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ चेहरों पर आप भी कार्रवाई करिए, अगर इन पर कार्रवाई हो रही है दोहरा मापदंड नहीं है। मैं चाहूंगा मैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक एक करके तीन चेहरे रखूंगा जी, ठीक, एक एक करके तीन चेहरे आपके सामने होंगे और आप बताइएगा कि क्या उन पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं। अगर DDCDA के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को बर्खास्त किया जा रहा है तो उन पर बर्खास्तगी होनी चाहिए या नहीं। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज पहला चेहरा प्ले करें। सर राकेश जी जानते हैं ना सर, हमको दिख नहीं रहा है आपके स्क्रीन पे, दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूं। ये पहला चेहरा जो आप देख रहे हैं ये है संबित पात्रा जी। संबित पात्रा आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक हैं। ये चेयरमैन हैं ITDC यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्लीज स्क्रीन पर राकेश सिंह जी, जी अब जवाब दूं सर, एक मिनट सर, इनका दफ्तर भी सीज होगा क्या? दफ्तर क्यों सीज होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका कार्यालय है, वो पार्टी का काम अपने कार्यालय में करते हैं, ITDC का काम उसके कार्यालय में करते हैं। नहीं, आपने ये कहा, आपने ये कहा कि वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, है ना, जैसे अच्छा जैस्मीन के लिए कानून अलग है, इनका दफ्तर नहीं सीज होना चाहिए। वहाँ मीडिया सेल है, वहाँ बैठ के अपने घर से बैठ के पार्टी का विचार रखते हैं, लेकिन अच्छा ITDC में जब जाते हैं तो वो बीजेपी का ऑफिस ITDC को नहीं बना लिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए कानून अलग है और इनके लिए अलग है ना, आपके समझ में। मैं जो कह रहा हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता एक बल चुनाव लड़ता है अपनी विचारधारा के आधार पर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब वो सरकार में आती है तो कई ऐसे राजनीतिक पोस्ट है और वो काम करते हैं, तमाम ऐसे PSUs है, तमाम ऐसी पोस्ट है, लेकिन वो जो दायित्व तो है वो दायित्व तो उस विभाग को काम करने के लिए दिया गया है। तो वहाँ कैसे तय हो रहा है कि वो ना आपने कहा कि वो, मैं इसका आधार दूंगा सर, मैं इसका आधार दूंगा। मैं क्यों एक बात कह रहा हूँ, इसका भी एक आधार है, इसका भी एक आधार है, मैंने यूं ही ये सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक और चेहरे का जिक्र किया और वो चेहरा आपकी स्क्रीन पर होगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा दूसरा चेहरा भी प्ले करें। ये दूसरा चेहरा है, पहचानते होंगे आप, शाजिया इल्मी जी हैं, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, प्रदेश प्रवक्ता भी रही और शाजिया इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर इन्हें बनाया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इन पर यह नियम लागू होगा कि नहीं? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नहीं, आपके पास तीन नहीं, जितने सरकारें हैं पॉलिटिकल पोस्ट इतनी है ना कि हजारों की संख्या में है। नहीं नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ ना, मर्यादा ये है कि आपको तो ये तय कौन करेगा, ये तय कैसे होता है? अगर जैसे उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी ने इन चेहरों को लेकर शिकायत की तो क्या इसकी जांच होगी? अगर आप ये कह रहे हैं जांच हो रही है तो क्या आप मुझे स्टेटस बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी शिकायत की है, क्या इस मामले का स्टेटस आप बता सकते हैं मुझे? अगर इन्होंने शिकायत की तो इलेक्शन कमीशन भी बैठा हुआ है। नहीं नहीं, मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की, ये कार्रवाई उपराज्यपाल ने की है। मान लीजिए CBI की जांच का भी उपराज्यपाल ने ऑर्डर किया था, लेकिन सेक्रेटरी के कहने पे किया था, चीफ सेक्रेटरी के कहने पे, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था CBI जांच के लिए। अमिताभ जी आ रहा हूँ, उपराज्यपाल को आप ये कह रहे हैं कि अगर उपराज्यपाल एक्शन नहीं ले रहे तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, चुनाव आयोग जाना चाहिए, आई एम राइट? जिसने शिकायत दी सबूत भी उपराज्यपाल को दे देने, और चुनाव चल रहा है तो जनता भी सामने है, मीडिया है। तीसरा चेहरा मैं इसका आधार दे दूंगा सर, एक मिनट। तीसरा चेहरा मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज जरा तीसरा चेहरा भी प्ले करिए। सर ये तीसरा चेहरा आपके सामने, बता देता हूँ, इकबाल सिंह लालपुरा पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ सर?
इलेक्ट जी, ये समझने वाली बात है कि चेहरे में तीन नहीं, आपके पास तीन है, मैं सैकड़ों गिना सकता हूँ उत्तर प्रदेश हिमाचल से लेकर जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। सवाल ये है ही नहीं है। अगर आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी का अमुक नेता इस पद पर रहते हुए उस ऑफिस का चुनाव में उपयोग कर रहा है, वो शिकायत होनी चाहिए। करिए, आपकी शिकायत हुई तो आपके बीसों नेता है, तमाम ऐसे कॉलेजों के अध्यक्ष हैं आपके नेता। मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने कहा इसका आधार क्या है, ऐसे पद पर होते हैं, ठीक सर, आपने ये बात बोली रमेश जी, इन्होंने ये बात बोली, अभी मन्नू जी ये बात बोली। अब मैं आपके सामने जो आरोप है उसी आरोप के आधार पर पूछ रहा हूं कि क्या आरोप यही है। सर मैं बता देता हूं, आरोप ये कि PIL दाखिल की गई थी कोर्ट में और कोर्ट ने यह कहा था कि संबित पात्रा की नियुक्ति गलत है, मगर केंद्र ने इस मामले में कोई दखल नहीं दिया, आम आदमी पार्टी का आरोप है। क्यों नहीं, किसी ने दाखिल किया, अदालत में दाखिल किया कि उनकी नियुक्ति और उनकी प्रक्रिया, देखो दोनों मामले को आप जोड़, अगर प्रक्रिया गलत है तो अदालत में PIL है, उसको इस चीज से कैसे जोड़ा जा सकता। आम आदमी पार्टी कह रही है कि PIL दाखिल हुई थी, उसमें ये नियुक्ति गलत पाई गई थी, तो केंद्र ने दखल क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, उनके तो जो लीडर है केजरीवाल, यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बता रहे हैं कि 20 गडकरी को पर आरोप लगाया, जेटली को पर लगाया। सर ये तो कोर्ट का मसला है ना, अगर PIL दाखिल हुई कोर्ट का मसला है ना ये तो। अरे मेरी बात सुनिए जरा, गलत दिशा में जा रही है हमारे पास, अदालत में है। ठीक, ओके ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, फिर अमित आप जी आपके पास आ रहा हूँ। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, पहले आप वो ये कह रहे हैं कि मसला अलग है, आप इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, सबूत आए, उपराज्यपाल ने कार्रवाई की। आ रहा हूँ अमिताभ जी आपके पास। थोड़ी गलत लाइन पे जा रही है बातचीत, आप सुन लीजिए हमें। जो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आप सरकारी कार्यालय का राजनीतिक उपयोग नहीं करेंगे, उस हिसाब से ये बात कोई भी राजनीतिक आदमी किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है, लेकिन अगर वो राजनीतिक उपयोग उसका करेगा अपनी पार्टी के लिए, तब उसके ऊपर आरोप लगता है। और ऐसा प्रमाण किसी के भी खिलाफ दिया जाएगा तो उसके कार्यालय को सील किया जा सकता है। तो उसकी जांच क्यों, कैसे होती है सर, वही तो सवाल है कि क्या इस मामले में अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने शिकायत की, तो क्या उसका स्टेटस क्या है, क्या शिकायत की जांच हुई या नहीं हुई, सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं ना सर। ठीक है, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी पहले आप, फिर अभी मन्नू जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का ऑडियो प्लीज। सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा, फिर कनेक्ट करूंगा। अभिमन्यु जी ये चोट तो आप भी खाए हुए सर, शायद 2006 का वाक्या था, सोनिया गांधी पर भी तो यही आरोप लगे थे कि नहीं, लेकिन यहां वाकई में उपराज्यपाल को लेकर और दिल्ली सरकार को लेकर यह जो तनातनी चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई दिखाई दे रही है क्या? आप हमारी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घूस लेते पकड़े गए थे, सब लोग जानते हैं। अभी तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना कमीशन के उत्तराखंड में काम नहीं हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, उनके भाई को 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार गिराने का काम भाजपा करती है, सब लोग जान रहे हैं। किस तरह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा रहे हैं ये लोग, सब लोग जानते हैं। जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, सब लोग जानते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, PC कर देते हैं, कोर्ट में जब मामला चलता है तो अपनी तरफ से साफ अपने आप को जाहिर कर देते हैं, अपने आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लाइव में कमेंट आया, उन्होंने कहा हरीश रावत जी वाला स्टिंग ऑपरेशन देखा था क्या? देखिए, आप अगर कहीं कुछ सचमुच में कार्रवाई, इस पर आरोप ही तो है, अभी कार्रवाई भी तो होती दिखे ना। नहीं, आपको बीजेपी के अध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन दिखाई दिया, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का दिखाई दिया, आपको भी तो दिखना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आपको भी तो उत्तराखंड के अभी चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है, जो मैंने अभी आपको बात कही है,
कि बिना कमिश्नर के काम नहीं होता वो भी दिखना चाहिए ना। बिल्कुल मेरे को तो दिखता है सर, मेरे को दिखता है, मैं तो तभी आपसे पूछ रहा हूँ। आदरणीय तीरथ सिंह रावत ने जो कहा, उन्होंने कहा कि 22 साल में जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ वो उसका जिक्र कर रहे थे। जो ठेकेदार है आज भी गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि वो बड़े नेताओं का किसी का रिश्तेदार भी है, मोदी जी तक उनकी पकड़ है। देखिए कैसे एकदम से सड़क बनी, एकदम से अस्पताल का निर्माण हुआ। ये अच्छा, ये जो राज्यपाल और उपराज्यपाल बढ़ता जा रहा पूरे देश में। आप देखिए ना, अभिमन्यु जी आराम से सर, आराम से, मेरे से बहस करने में कुछ हासिल नहीं होगा सर। मैं तो चर्चा करता हूँ, बहस करता हूँ, हम भी बात ही कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, मेरा 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 कंसर्न ये था कि ऐसे हालात में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, तमाम राज्यों के राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में देखिए क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति थी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी जब उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी के बीच क्या क्या हालात रहे। तो मैं वो कह रहा हूं, दिल्ली में जो स्थिति है, ये क्यों स्थिति पैदा हो रही है? ये देखिए, अगर सचमुच में सरकार को काम करने देना है, भाजपा सरकार को, तो उन्हें राज्य सरकार को काम करने देना चाहिए, उसमें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। लेकिन जहां राज्य सरकार है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की, ये दिल्ली में है, पंजाब में है, राकेश जी रोड़ा अटकाया जा रहा है, और गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से वही को भाजपा बचाए। अब कांग्रेस पीसी करता रहे तो इससे काम नहीं चलेगा कि रोड़ा अटकाया जा रहा है। अरे भाई, आपके तोमर, आम आदमी पार्टी के तोमर अगर फर्जी डिग्री लेते हैं, कार्रवाई होती है, हटाए जाते हैं, इसमें रोड़ा क्या है? सफेद जैन के ऊपर अभी जेल में है, कोर्ट ने कहा है कि आप प्रथम दृष्टया दोषी है, इसलिए ईडी जांच के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है और इनके ऊपर आरोप तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर, इसमें रोड़ा क्या अटकाया जा रहा है? लेकिन समस्या इन पर तकलीफ इस वजह से हो रही है। नहीं नहीं, ये संजय राउत पर जो मामला हुआ है ईडी का, हम तो सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। हम तो मनीष सिसोदिया जी के बारे में भाजपा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय एजेंसीज है उनका दुरुपयोग भी करती है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कार्यप्रणाली में रोड़ा अटकाती है। राकेश जी, यही बात तो समझ में नहीं आती। ठीक, जब ना जब आप शासित राज्यों में आपकी सरकार होती है, तब राज्यपाल और ये बात ये आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, उद्धव ठाकरे गए, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, अब कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। जो राउत गए हैं, अगर कोई कार्रवाई हो रही है, राउत को इतने दिन जमानत नहीं मिलती है, अदालतें हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी राहत नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी ना। अब आप कहते हैं कि राज्यपाल, ऐसे कई राज्यपालों के बयान आप सुने होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नहीं, वो तो सिर्फ एक ही राज्यपाल, नहीं वो तो सिर्फ सत्यपाल मलिक है ना, उसके खिलाफ कौन बोल रहा है जी? वो तो सिर्फ सत्यपाल मलिक ही बोल रहे हैं। अरे सतपाल मलिक तो किसने कांग्रेस ने बनाया था राज्यपाल? क्या जब बोलना शुरू किया हटा दिया क्या बीजेपी ने? और वो ये जो मसले उठ रहे हैं अमिताभ जी, आपको लगता कि ये सीधे तौर पर एक तरफ राज्यपाल दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, और हालात झारखंड में तो ये है कि कब तख्ता पलट हो जाए कोई नहीं जानता, बंद लिफाफे में किस्मतें घूम रही हैं मुख्यमंत्रियों की, और ये कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए थोड़ी सी ना बात दूसरी तरफ चली गई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो पंगा चल रहा है अलग अलग राज्यों में वो चल रहा है, वो ठीक बात है, और वहाँ पे कई जगह जैसे कि बंगाल में और केरल में आप देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के अधिकारों को भी अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। राज्यपाल भी हस्तक्षेप करते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल भी अनाधिकार कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो एक संघर्ष चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। जब अलग अलग पार्टी होती है, कांग्रेस की अपनी छवि जो है इस मामले में बहुत खराब रही है, दर्जनों सरकारें इन्होंने बगैर वजह जो है बर्खास्त की है, बहाने बना। नहीं, वो बर्खास्तगी के बाद ही तो भुगता ना इन्होंने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि गलत डायरेक्शन नहीं, क्योंकि उपराज्यपाल ने कार्रवाई की है डीडीसीडीए पर। मैं इसलिए मुद्दे को लेकर आया हूँ कि एक तरफ राज्यपाल दिखाई देते हैं और तमाम राज्यों के ऐसे हालात हैं कि ये संवैधानिक संकट के रूप में क्यों ना देखा जाए। नहीं, अभी यहाँ पे आप हम थोड़ी सी गलत लाइन पर चले गए हैं इलेक्शंस के मसले पे। देखिए, हमको सबसे पहले ये समझना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पे बैठा है, वो सरकारी पद पे बैठ के
अपने राजनीतिक दल का कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा तो सर जो ये कार्य करते पाए गए हैं, सर ये नेता जिनका मैंने नाम लिया वो सुबह कार्यालय में होंगे और शाम को टीवी डिबेट्स में होंगे, तो वो राजनीतिक कार्य नहीं है। अगर अगर वो अपने कुर्सी पर वहाँ पे बैठ करके अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक बहस के लिए, तो अपने आप तुरंत उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो सर ये तय कौन करेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल ये तय है, वो देखिए वो कभी भी आप उनको अपनी कुर्सी पे बैठ करके राजनीतिक बहस करते, अगर आपने उनकी फोटो ले दी, उनका वीडियो आपने दे दिया, इलेक्शन कमीशन जो राज्य का है उसको आप भेज दीजिए। ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी उसको करना पड़ेगा तत्काल का। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जुड़ गए। रमेश जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी वो तमाम आरोप जो आप लोगों ने लगाया, मैंने राकेश जी से जवाब लिया, वो ये कह रहे हैं कि वो मसला अलग है, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो मसला अलग है। ये सीधे तौर पर आपने पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए डीडीसीडी का उपाध्यक्ष का पद उनसे लिया गया, जैस्मिन शाह से। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये जितनी मर्जी जो मनगढ़ंत जो ये फैब्रिकेटेड चार्ज लगा रहे ना, बड़ी साधारण सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से ये देखा ही नहीं जाता कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली के भलने के लिए काम करता हुआ पाया जाए, चाहे दिल्ली में लो फ्लोर बसों का मामला हो, चाहे दिल्ली में स्कूलों के कमरे रुपा का मामला हो, चाहे दिल्ली के उन एरियाज में पानी की पाइपलाइन डलवाने का मामला हो जहां कभी पानी की पाइपलाइन नहीं गई, इन सब में जैस्मिन शाह एक्टिव थे, इन सब चीजों में नीतियां बनाने में वो एक्टिव थे। और ये दिल्ली सरकार, ये जो राज्यपाल महोदय है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई आप मुझे ये बताइए कि वो व्यक्ति डीडीसी के वाइस चेयरमैन पे अपॉइंट हुए और टीवी डिबेट में आना ही अगर एकमात्र कहावत है, अगर एकमात्र डिस्क्वालिफिकेशन है, तो जिन महानुभावों का नाम आपने पहले लिया, सबित जी का, साजिया जी का, इकबाल सिंह जी का, अपना राकेश जी जवाब दीजिए। जी राकेश जी जी वो कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो टिक नहीं पा रही है, क्योंकि आपके नेता भी यही सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप जैस्लीन पर आरोप लगा रहे तो। अरे मैं कह रहा हूँ कि अब तो डिजिटल का जमाना है, कोई एक प्रूफ आप ही तिलक जी को दे दें, तिलक जी ही अपना दिखा देंगे, कल से कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हवा में आएंगे केजरीवाल की तरह कि इन्होंने ये कर दिया, बाद में कोर्ट में माफी मांग लेंगे, तो आपका तो पूरा रिकॉर्ड ही गड़बड़ है। आपकी बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? केजरीवाल से लेकर आप तक, तोमर से लेकर सत्येंद्र जैन तक, सारा रिकॉर्ड तो आपका गड़बड़ है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, तो आप एक प्रूफ दे दीजिए तिलक जी को, और किसी को मत दीजिए, तिलक जी को भेज दीजिए एक फोटो। मेरी फोटो से काम चल जाएगा सर? नहीं नहीं आपको भेज दे, मान लीजिए ऐसा कोई काम कर रहा है सरकारी दफ्तर बैठ के, पार्टी का काम कर रहा है, फोटो ले और भेज दे। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर मैं अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए इनकी आवाज धीमी आ रही है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। वो कह रहे एक प्रूफ तो दो आप। वो क्या कह रहे? प्रूफ दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है महाराज, टेलीविजन डिबेट में हो जा रहे हैं संबित भाई, आपके लिए आवश्यकता इसलिए है कि आपके प्रमाण चाहिए, फर्जी बयान देते हैं, इसमें किस बात का प्रमाण चाहिए? आखिर इन्हीं के पास क्या प्रमाण है कि वो डीडीसी के कार्यालय में हमारी पार्टी के लोगों की मीटिंग होती, संगठन की बैठकें होती थी, चुनाव की रणनीति पर, ऐसा कौन सा प्रमाण इनके पास है? बस एक टीवी डिबेट की बात करें तो टीवी डिबेट में तो संदीप जी भी आते हैं, उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? राकेश जी जी कह रहे उनकी आवाज साफ नहीं आ रही रमेश जी की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? नहीं प्रमाण के इनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी, ये तो कोई और कहे, क्योंकि आपके नेता जिसके जिसके नेतृत्व में आप राजनीतिक दल बना के काम कर रहे हैं, उसका आपने अधिकार नहीं देखा है क्या? उन्होंने गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाया था ना, अदालत में हुजूर माफ कर दीजिए कहा कि नहीं कहा? जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया था, हुजूर माफ कर दीजिए कहा कि नहीं कहा? मजीठिया के ऊपर आरोप लगाया था, हुजूर माफ कर दीजिए कहा कि नहीं कहा? आप माफी मांगते फिरते, इसलिए आपको ज्यादा जरूरी है कि आप पक्ष दीजिए, प्रूफ दीजिए। अभिमन्यु जी ये राजनीतिक सबूत मांगे जा रहे हैं, कभी राजनीति में सबूत दिए गए क्या? राजनीतिक सबूत, और राजनीति में सबसे आसान होता है आरोप लगाना, हिट एंड रन, और फिर राजनीतिक रूप से माफिया भी कोर्ट में मांग ली जाती है कि नहीं?
बिल्कुल जो स्टिंग है उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है। जहां तक सबूत की बात है वो जनता के पास सब सबूत भी है, जनता के पास सब जवाब भी है, वो जान गई है जनता भी कि अब आम आदमी पार्टी जो बातें करती है जो कथनी है और जो करनी है वो बिल्कुल भिन्न है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, अपने लोगों को बचाने का काम करती है जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सचमुच में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये पार्टी है तो ऐसे लोगों को दूर करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, पार्टी से बाहर निकालने का काम करे, उनको बचाने का काम ना करे। अमिताभ जी फाइनल कमेंट आपका। अनुच्छेद 102 कहता है कि लाभ के पद पर नहीं रह सकते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ हो रहा है और ये सबके सामने है, अगर दिक्कत है तो कोर्ट जाइए। देखिए हमारी लाइन और लेंथ यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैंने आपको बताया। सर मैं बिल्कुल लाइन एंड लेंथ पर हूँ, जब राज्यपाल और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में द्वेष होगा तो फिर विकास कैसे होगा, मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। नहीं अभी उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बताने की केवल कोशिश कर रहा हूँ। हमें मैंने तिलक जी अनुच्छेद 21 का जो जिक्र किया वो ठीक नहीं है। जो राजनीतिक दल जब भी सरकार में आते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता उसके मंत्री भी बनते हैं अध्यक्ष भी बनते हैं, तमाम ऐसी संस्थाओं के स्वायत्त शासी संस्थाओं के, तो फिर या तो उन्होंने सही किया या गलत किया, तो अगर यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन एक बात अमिताभ जी प्लीज क्विक रिएक्शन। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रशासनिक साधन और संसाधन का इस्तेमाल अगर राजनीतिक लाभ के लिए आप करेंगे तब आपके ऊपर आरोप लगता है। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये साबित कैसे होता है, अगर यही आरोप कोर्ट में सिद्ध हो जाता है और कोर्ट ये कहता है कि जिसे आपने नियुक्त किया वो नियुक्ति सही नहीं है और केंद्र उस पर एक्शन नहीं लेता, फिर मैं किसे मानूं, कोर्ट को मानूं या राजनीतिक आरोप को मानूं? नहीं उसके खिलाफ कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला जाए, वो तो अलग प्रक्रिया है पूरी उसकी। ओके उसमें जाए आप, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है कि देखिए प्रधानमंत्री भी इलेक्शन में भाषण देने जा रहे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। अगर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के योजना बनाने लगेंगे तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता है चुनाव आयोग। बस इतनी सी बात हमें समझना है कि जो प्रशासनिक साधन संसाधन का उपयोग पार्टी के लाभ के लिए चुनाव में करेगा तो उसको रोका जाएगा। क्योंकि ये चुनाव का मसला होता है तो इसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है, जो भी सबूत मिलता है निर्वाचन आयोग जो है उसका अधिकार है। यस मैं आपसे सर वही पूछ रहा था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच अगर टकराव होता है तो क्या ये संविधान के लिहाज से सीधे तौर पर सवाल नहीं खड़े होते? नहीं नहीं टकराव होगा, आप नहीं रोक सकते, और खास करके जब दो दल हैं। देखिए उपराज्यपाल का राज्यपाल राजनीतिक शख्सियत जरूर है लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे। राज्यपाल के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती ना, उसको राजनीति के तौर पे देखना चाहिए। नहीं तिलक जी आप अंतर है, नहीं 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 आप कह रहे हैं कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर आप राज्यपाल बन गए तो आपको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना है। अच्छा तो फिर ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, जहाँ पर विपक्ष के मुख्यमंत्री है वहीं क्यों स्थिति पैदा हो रही है? जहाँ विपक्ष के हैं वहाँ पे होगा ही, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे राज्यपाल जो है उनकी कोशिश जो है अपने शक्तियों से ज्यादा का ज्यादा इस्तेमाल करने की होगी या सरकार को रोकने अच्छा, की कोशिश करते होंगे। ठीक सर, ठीक हाँ वो होता है। ठीक बिल्कुल, ये सवाल तब भी खड़े होते हैं सर जब तीन तीन व्यक्तियों के सामने सिर्फ रात के अंधेरे में या सुबह के वक्त जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी हो जाती है। बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने क्या भेजा राज्यपाल नहीं बताते हैं, तो होता है सर, होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी आपका भी, राकेश जी आपका भी, रमेश जी आपका भी और अमिताभ जी आपका भी। तो क्या वाकई में ये सियासत के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए एक के बाद एक जो स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं वो सियासी हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करी तो आम आदमी पार्टी घायल नहीं होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।